वो कॉन्ट्रैक्ट किलर तुझे मारने आएगा। अच्छा नहीं नहीं भाई, नहीं खड़ू। अरे भाई तुम पर तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। नहीं सॉरी तुझसे बतियार, मतलब वो मुझे मारने आएगा और तुम लोग मुझे बचा लोगे, और इस बीच में कहीं करेगा या नहीं करेगा। जब मैं घर पहुंचा रात के 11 बज रहे थे। ये सब दाढ़ी वाड़ी लगा के क्या कर रहे हो आप? कुछ तैयार किया आपने? बस खेल खत्म तुम्हारा। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सीआईडी टीम डॉक्टर सालुके की जान को दांव पर लगा देती है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि एसीपी सर ने ऐसा क्यों किया, तो आप लोगों को इस एपिसोड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और आप लोगों को इस एपिसोड का नाम और नंबर भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों इस एपिसोड में होता कुछ यूं है कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए सीआईडी टीम एक प्लान बनाती है और सालुके सर को एक डायरेक्टर बनने के लिए बोलती है, लेकिन जब सालुके सर मना कर देते हैं तो एसीपी सर जबरन उनको बनने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि सालुके तू ये काम करेगा या नहीं करेगा। और दोस्तों सालुके सर को वो डायरेक्टर भी बना देती है, लेकिन दोस्तों सालुके सर को बहुत ही ज़्यादा डर रहता है कि कहीं मेरी जान ना चली जाए। इसलिए वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं और वहाँ पर ऑडिशन के लिए एक औरत आती है और वहाँ सालुके सर पर बंदूक चला देती है और वो औरत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों सही समय पर पंकज और फ्रेडी आकर उस औरत को पकड़वा देते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सालुके का क्या हुआ, लेकिन दोस्तों डॉक्टर सालुके वैसे ही बहुत ज़्यादा चालाक है, इसलिए उन्होंने सभी चीज़ बुलेट प्रूफ पहन रखी थी, इसलिए उनको कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों इस एपिसोड का नंबर है सीआईडी 1407 और इस एपिसोड का नाम है राज नकली पिस्तौल और असली गोली का। तो दोस्तों यह पूरा एपिसोड यूट्यूब पर आसानी से अवेलेबल है, आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।